हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल सारिआं नूं। झोने दा लास्ट पाणी ते लास्ट स्प्रे चल पई। अज फौजी ने फिर अज चाह चू जी घोल ली, पता नहीं की कुछ बनाई बैठा इहदे च। कहिंदा कोई मच्छर मुच्छर जिहा पै गिआ आ गए मुच्छल झोने च ते अपना बासपती च। आ देखो केरां दा कंडीशन, झोने की सोहनी खड़ी है। चल मैं लास्ट स्प्रे कर दे, फिर क्यों रिस्क लेना है। ये फसल रिस्की जी फसल, जो माड़ा जा बंदा उक जाए तो बस गई, जो सामभ ली मौके तो सामभ ली। गिनतियां कर कर कप जो पाई जाता, पता नहीं की करूगा यदा। एक गा रखी बैठा, पता नहीं की लिखी बैठा, तेले वाली पाई मैक्स लफाफे च की रखी बैठा, वहीं अग्नि उगनि रखी बैठा है। सारी दवाइया दवाइया ही पाई फिरता पता तरह। आ कदी है अपने, वेखो कदी है बेस्ट एग्रोसीड जोड़ियो। फंगी साइड आ गया जी, ये फिर हूँ फौजी साहब ये की जगाड़ जा करी जाने तुम हूँ की हो गया झोने मच्छर वाली है जी। होपर वाली एक तो होपर वाली है, फिर की और खिच के बोलियो चेस बाई दे जी। होपर वाली केड़ी लास्ट स्प्रे हो गई पक जू झोना ते पानी दी की बीज ने पानी फिर हजे लाओगे होर पानी यहां एक ही यही लावांगे लास्ट ही पानी है लास्ट ही पानी। देखो दोस्तों मोटर इथे चली जांदी है, ऐतकी पानी इन्हें होता नहीं कोई कमी छड़ी हैं, ऐतकी पानी ना होता नहीं कोई कमी छड़ी, सरकार चंगी दे। अच्छा बिजली नहीं जे सरकार बारे भी बयान दे रहे हो जी साहब, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ? ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਕਾਰਨ ਕੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਛਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੱਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਨੇ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਊਣਤਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਪਰੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 500-400 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ
रिस्क लै गए तो बीमारी ने अटैक करता तो फिर हथ पले कुछ नहीं आता। जे एक बार बीमारी गिर आ जाए वाहन च फिर नुकसान तो करके ही जाती है, जिन्ना मर्जी आप फिर स्प्रेयां खिंच लीए फिर मुश्किल हो जाता। इसलिए मेरी तो यही बेनती है किसान वीरां कि खासकर मुच्छल तो बासपती तो हुण बिल्कुल घोल ना करो। जे थोड़ा मुच्छल ज बासपती 15-18 दिन लैंदा है पक्कण च तां एक स्प्रे जरूर कर देनी चाहिए है। बाकी तुसी सारे आप सियाने हो। धन्नवाद जी वीडियो देखण लई, वीडियो नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ, बैल आइकन वाला बटन जरूर नप्यो ताकि तुहानूं आउण वालियां होर इंट्रस्टिंग वीडियो तुहाडे तक सब तों पहलां पहुँच सकन। सत श्री अकाल जी।